नमस्कार, न्यूज हंट में आपका स्वागत। जी हां, आज हम आपको बता रहे हैं कि एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक दूल्हा दुल्हन के लिए गाना गाते हुए एंट्री ले रहा है। आशिक भी हूँ दीवाना भी हूँ मैं, शाहरुख खान के इस गाने पर वो झूमता हुआ दुल्हन को जयमाला स्टेज पर पहुंचा। लेकिन उसकी इस हरकत को देखकर दुल्हन ने शादी से ही इनकार कर दिया। उसके बाद उसका तांडव इतना बढ़ गया कि लड़की के पिता को पुलिस बुलानी पड़ी और ये शादी कैंसिल हो गई। आपको दिखाते हैं ये पूरा वीडियो। आशिक हूँ मैं कातिल भी, दूल्हे ने जयमाला स्टेज पर बोला डायलॉग, दुल्हन ने शादी से किया इनकार। यूपी के मऊ जिले में एक शादी में उस वक्त लोग हैरान रह गए जब स्टेज पर चढ़कर दूल्हा कुछ फिल्मी कुछ अपने डायलॉग बोलने लगा। दूल्हे की अजीबोगरीब हरकतों से लोग सन रह गए। सभी ने उसको करीब 3 घंटे तक समझाया लेकिन वो नहीं माना। इस पर दुल्हन पक्ष ने पुलिस बुलाई। आशिक हूँ मैं कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ मैं लड़की की मांग भर कर उसे यहाँ से लेकर जाऊंगा। ये डायलॉग दूल्हे ने जयमाला स्टेज पर बोला। इस पर दुल्हन पक्ष के साथ ही वहां मौजूद हर शख्स के होश हो गए। पहले तो लोगों को लगा कि दूल्हे ने फिल्मी स्टाइल में एंट्री ली है, लेकिन डायलॉग के साथ ही दूल्हे की हरकतें देखकर दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद पुलिस भी बुलानी पड़ी। बता दें कि मऊ जनपद के थाना गोपागंज क्षेत्र के दोस्तपुर मोहल्ले में आजमगढ़ जनपद के फूलपुर तहसील क्षेत्र के बटुई पार से बारात आई थी। लड़की वालों ने धूमधाम से आई इस बारात का स्वागत किया। इसके बाद जयमाला की तैयारी होने लगी। तभी दूल्हा स्टेज पर पहुंचा और फिल्मी डायलॉग बोलने लगा। इस पर लोग हैरान रह गए। दुल्हन को ले जाने की जिद पर आ। काफी समझाने के बाद भी दूल्हा नहीं माना। इसके बाद लोगों को समझ आया कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो जबरदस्ती शादी करके दुल्हन को ले जाने की जिद पर अड़ा हुआ था। लोगों ने काफी समझाया पर उसने किसी की बात नहीं मानी। इस पर लड़की के पिता ने पुलिस को सूचना दे दी। क्या करते हो तुम लोग? तुम लोग क्या करते हो? सुन मेरी बात पहले। मरते दम तक लेके जाऊंगा वो लड़की की यहाँ से। मरते दम तक लेके जाऊंगा, मांग फराज भी लेके जाऊंगा उसी घर से। सुन मेरी बात सुन। आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। वादों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं डरता नहीं हूँ, याद रखना। शुभ नाम क्या है आपका? बाबू कुमार सोनकर। कहाँ का रहने वाले? वाला दोस्त रखोपा में। जो बारात आई है कहाँ पे आई है? भटनी, हमारे घर है भटनी पारा से आई है, फूलपुर भटनी पारा से। क्या मामला हुआ है? मामला तो यही हुआ है कि बारात हमारे घर आई थी, जब जयमाल हो रहा था तो उस लड़का सही काम किया है, लेकिन उसके बाद वो गलत हलकर करने लगा है। जो ये आदमी लोग समझाने पर नहीं माना है, 3 घंटा हरकत कब करने लगा है? 3 घंटा समझाने पर नहीं माना, तब पुलिस आई। गलत हरकत कब करने लगा है? जब पुलिस आई प्रशासन के सामने किया है, गलत जयमाल के समय किया है। जयमाल पर तो फिर क्या किया है? जयमाल पर हरकत क्या किया? पुलिस सामने आई है, पुलिस आई है, पुलिस के सामने मौका दिया गया। 3 घंटा से हम लोग समझा रहे हैं लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पुलिस आई है, पुलिस के सामने स्टेज पर चढ़कर अनाप शनाप बोलने लगा, पागलों जैसी हरकत कर रहा है। उसके साथ हमारी लड़की के जीवन खराब, हमको नहीं करना है। तो प्रशासन क्या कर रही थी उसको? प्रशासन जो करे वो करे, हम तो नहीं करेंगे भाई। शुभ नाम क्या है आपका? डॉक्टर संजय कुमार सोनकर, प्रदेश कार्यकारी सदस्य भाजपा। आज इस मोहल्ले का मैं नागरिक हूँ और मेरे चाचा लगेंगे। कौन सा मोहल्ला है ये? मोहल्ला दोस्तपुरा। इस समय कहाँ खड़े हैं? इस समय मैं उस शादी के प्रांगण में खड़ा हूँ जहाँ लड़के लड़की की शादी हो रही थी। क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ कि मामला कोई बताने किसी की बातों को कही वाली बात नहीं है, मैं स्वयं वहाँ पे उपस्थित था। लड़का जो है जयमाल के समय, जयमाल पकड़ा ही नहीं है और नहीं पकड़ा है तो लोग सोचे हैं थोड़ा बीमार होगा। उसके बाद उसको पानी पिलाए हैं, लोग उसको मनाए हैं, 1.5-2 घंटा तक मनाए हैं, लोगों को
अपशब्द बोल रहा था, मंच से भगा रहा था, उठ के जा रहा था, उसके बाद प्रशासन भी आई है 3 घंटे बाद, हमारे मनाने के बाद नहीं माना, 3 घंटे बाद प्रशासन को फ़ोन किया गया, प्रशासन आया, प्रशासन के आने के बाद वो 1 घंटे प्रशासन भी मनाई, 1 बात नहीं बोला, उसके बाद से मंच पे चढ़ के जयमाल के मंच पर के पागलों की तरह पूरी हरकत किया है, तो पूरी जनता ये देख लिए कि वो लड़का पागल है और दिवालिया है, और प्रशासन उसके पागलपन को देखते हुए उसको अपने साथ ले गई है, और प्रशासन ये कही है कि जितना आपका हर जाना होगा मैं इसके तरफ से दिलवाऊंगा, ये कह के प्रशासन अपने साथ पुलिस थाने में ले गई है और मौके पे हम लोग को बुलाइए, हम लोग जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मनोज सोनकर है। कहाँ के रहने वाले? वो ग्राम भाटिन पर है। कहाँ आए थे आप? कोपा। क्या मामला हुआ? शादी करने आए थे सर, लड़का थोड़ा वो डिस्टर्ब हो गया, नहीं शादी कर पाया, और अभी जो है कि लड़की के पिताजी मान के भाई समझौता कर रहे हैं कि अब आपस में समझौता कर लो, केस पदार करने से अच्छा समझौता कर लो, मान गए, बस यही हम लोग थोड़ा पैसा वैसे का बंदोबस्त कर रहे हैं। तो क्या पैसा वापस करने का नौबत आया क्या? हाँ सर, नहीं हम लोग का समझौता हो गया, अभी देखो पैसा थोड़ा बंदोबस्त करके उनको देना है। इसका मतलब आप शादी नहीं करना है? हाँ, शादी नहीं होनी है अभी। शादी सर वो कह रहे हैं नहीं करना है, तो हम भी कह रहे हैं कि जब वो मलकारी लड़की वाले बोल रहे हैं तो हमको क्या, आप जबरदस्ती थोड़ी करेंगे हम। क्या ऐसी बात आ गई थी कि लड़का शादी से इनकार कर दिया था? पता नहीं साहब, वही स्टेट पे हम वो इस मौके पे तो हम थे भी नहीं, थोड़ा आदमी को अपना पानी पिलाने उलाने लगे, लेकिन अब क्या हो गया क्या नहीं वो तो ऊपर वाला जाने, उससे ज़्यादा क्या कर सकते सर, जब जिस चीज़ का जानकारी एक बैग नहीं हुआ तो उसका क्या।